गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी से आग्रह कि वो अपने संबोधन से सभा का मार्गदर्शन करें। इस समारोह में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री ओम बिरला जी अध्यक्ष लोकसभा, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी उपाध्यक्ष राज्यसभा, आदरणीय श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी अध्यक्ष गुजरात सभा और सभी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारीगण, भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं गुजरात की जनता की ओर से माननीय श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने केवड़िया के इस स्थल को, जहां प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के अनुसार लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई और आज यह स्थल देश नहीं अपितु विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहा है, ऐसे स्थल का आपने चयन किया और आप सभी आदरणीय लोग दो दिन से इस स्थल का दर्शन भी कर रहे हैं और आज संविधान दिवस पर अपने कर्तव्यों के बोध के प्रति भी सजग हैं। आदरणीय बंधुओं, इसी के साथ में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो कल हमारे बीच में उपस्थित हुए और उनका सानिध्य भी मिला और मार्गदर्शन भी हमें मिला, जिससे हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। और आज विशेष रूप से हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके सौजन्य और मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम यह स्थल है जिस पर आज वो स्वयं हमारे इस अंतिम कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। आदरणीय बंधुओं, आप और हम आज जिस स्थल पर बैठे हैं, एक विचार कैसे उसे परिणति में बदल देता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम। यह सातपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां, जो वनवासी क्षेत्र है, इस जगह पर जंगल में मंगल और एक जंगल में नई बस्ती का कुल दो वर्ष में बन जाना, इसके पीछे कितनी बड़ी विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है, इसका ये परिणाम है। केवल ये पर्यटन स्थल नहीं, अपितु इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बंधुओं, आजाद भारत हो गया, 565 रियासतों को यदि सम्मिलित करके अखंड भारत का निर्माण ना होता तो आज हम किस रूप में होते, इसकी कल्पना कीजिए। गुजरात की धरती के सुपुत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के महामानव थे कि जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और विशालता के लिए इतना मजबूत निर्णय लिया कि उस रजवाड़ों को तोड़कर पूरे भारत को एक किया। आज हम अखंड भारत के स्वरूप को देख रहे हैं, ये उनका बहुत महान कार्य था। बंधुओं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
इस देश के लिए जो कुछ किया, हम आजाद भारत के लोग उनको वो सम्मान नहीं दे पाए थे, आज जो सम्मान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया, केवल सम्मान ही नहीं दिया अपितु यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा प्रेरणा का पुंज बन पाएगा। इतिहासकार कहते हैं जो कौमें अपने महापुरुषों को भुला देती हैं वो इतिहास के पन्नों से मिट जाती हैं, और जो कौमें अपने महापुरुषों को आने वाली पीढ़ियों के सामने उनके आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं, ऐसा देश समाज राष्ट्र और कौमें सदा आगे बढ़ती हैं। ये वो काम इस धारा पर हुआ है। जब इस देश के युवा पीढ़ी कोने कोने से आएंगे और इस 182 फीट की विशाल प्रतिमा जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से एक अनुपम रचना बनी है, और केवल ये नहीं, इसके साथ यहां पर अनेक प्रकल्प, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 30-31 अक्टूबर को 2 दिन के प्रवास पर स्वयं यहां पर आए और उन्होंने 17 प्रकल्पों का उद्घाटन किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट का उद्घाटन किया, 4 नए प्रकल्पों का शिलान्यास किया। पूरे 2 दिन तक जो जो चीजें यहां पर बनी है आपने 2 दिन में देखी होंगी, आप वहां पर गए होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि हर चीज के पीछे एक विजन है। यूं ही कोई पार्क नहीं बना दिया गया, यूं ही कोई कार्यक्रम यहां संपादित नहीं हुआ, अपितु हर के पीछे एक लॉजिक है। आरोग्य पार्क बना तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक चिंतन दिया कि मानव की आकृति का बने, इसका सिर हो, हाथ हो, धड़ हो, पेट हो, पैर हो, लेकिन उस पार्क में वही औषधि वहां पर लगाई जाए जो शरीर के जिस भाग के लिए उपयोगी हो। मस्तिष्क के लिए क्या जड़ी बूटी उपयोगी है वो वही पर लगी है, धड़ के लिए जो आवश्यक है वो वही लगी है, उदर के लिए जो आवश्यक है वो वहां पर लगाई गई है, और चिल्ड्रन पार्क जिसमें बालक आएंगे तो उनका स्वास्थ्य उन्नत कैसे हो सकता है, वो क्या लें, क्या भोजन लें, क्या न लें, कितनी बारीकी से यहां पर आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है, उनके संस्कारों के लिए एक वातावरण दिया गया है, उनको एक प्रेरणा देने का वातावरण बनाया गया है, ये एक अनुपम रचना है। और आप सबको जानकर के आश्चर्य और प्रसन्नता होगी, ये सब कुछ 2 साल के अंदर बन पाया है। संभवतः दुनिया के इतिहास में एक जंगल में उबड़ खाबड़ भू पर 2 साल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, और वो भी एक प्रेरणा लेकर के खड़ा होना, निश्चित रूप से आप जितने जन भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं प्रेरणा लेकर के जाएंगे और इस प्रकार का मार्गदर्शन लेकर के जाएंगे कि अपने अपने प्रदेशों में भी इस प्रकार का चिंतन उभर करके आए। आदरणीय बंधुओं, आज संविधान दिवस है, आप लोगों ने 2 दिन भारतीय संविधान पर मौलिक विचार आदान प्रदान किए हैं। हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 भारतीय संविधान के स्तंभ हैं। इनमें आपसी एकता, आपसी सामंजस्य, जिसके माध्यम से हम जन प्रतिनिधियों के द्वारा विधानसभाओं में किस प्रकार से आम जनता को सुखी बना सकते हैं,
लोगों के लिए चहुमुखी विकास के रास्ते खोज सकते हैं, ये सब चिंतन हमारा परम उद्देश्य है। भारतीय संविधान में मानव की स्वतंत्रता, उसके विकास की, उसकी प्रगति की हर प्रकार की व्यवस्था दी गई है और आप सभी इस गहनता को अच्छी तरह समझते हैं और इसी पर आपने दो दिन तक चिंतन किया है। हमारे संविधान ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, संभवतः दुनिया में कहीं पर भी ये व्यवस्था इतनी सुंदर नहीं है। भारतीय लोकतंत्र जिस गति से सारी दुनिया के लिए आदर्श बना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आदरणीय बंधुओं, आप लोकसभा चला विधानसभाएं चलाते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, आजकल उसमें जिस तरह से संवाद की प्रक्रियाएं थोड़ा सा बदल रही हैं, आपके लिए और हम के लिए, हमारे लिए इसमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र में वाद हो, संवाद हो, थोड़ा सा विवाद भी हो जाए, लेकिन वितंडावाद नहीं होना चाहिए। गलती के लिए गलती निकालना, यह चिंतन किसी भी लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं होता। भारत का संविधान 1947 के बाद बना है, लेकिन हम जिस देश के वासी हैं, यहां पर गण शब्द, गणतंत्र शब्द आदिकाल से प्रचलित है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में हम आदिकाल से गण से जुड़े रहे हैं, लोकतंत्र से जुड़े रहे हैं। हमारे वेद शास्त्र हम सबको उपदेश देते हैं कि हमने अपने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए समर्पित होकर के कार्य करना है और इसके लिए ऋग्वेद, जहां एक संगठन सूक्त है जिसमें लोकतंत्र के लिए उस काल से व्यवस्था है, जहां लिखा है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। वेद कहता कि ऐ मानवो, तुम आपस में मिल करके बोलो, यानी कि तुम्हारा संवाद तुम सबके सुख के बढ़ाने वाला हो। संगच्छध्वं, तुम विकास के मार्ग पर मिल करके आगे बढ़ो। जिस प्रकार के तुम्हारे पूर्वजों ने जो राष्ट्र निर्माण, मानव उत्थान की व्यवस्थाएं दी हैं, उनका अनुसरण करो, ऐसा वेदों के अंदर लिखा है। एक जगह नहीं, अनेक जगह पर कि हमारा एकता भाव, संगठन भाव, एक दूसरे की भावनाओं का आदर, सहिष्णुता, परोपकार, करुणा, दयालुता का भाव, वेद में एक सामनस्य सूक्त है कि हमारे मन कैसे हों। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य का मन ही सुख और दुख का कारण बनता है और वहां पर वेद कहता है यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तदु सुप्त तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं शिव संकल्पमस्तु। हे भगवान, हमें वो शक्ति दो कि हम जागते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, विचार विमर्श करते हुए एक दूसरे का हित सोचें, एक दूसरे के कल्याण का सोचें। हम हर कष्ट वाले व्यक्ति को समान लेकर के आए, ये विचार दिया और अंत में कहा तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, मेरा जो मन है वो शिव मैंने कल्याणकारी वस्तु मैंने विचारों वाला होवे। हम सदैव
कल्याण और उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ते जाएं, ये चिंतन भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोगी है। वहां लिखा है, सहृदयं सामनस्यं मैं भी द्वेषं कृणोमि वा अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सं जातमि वागना, कि हम एक राष्ट्र के लोग किस प्रकार से रहें, सहृदय हमारे हृदय चित्त और मन एक हो जाएं, हमारे में द्वेष भाव ना हो, हम ईर्षा भाव से बच करके रहें, हम आपस में एक दूसरे से कैसे प्यार करें, ऐसा उदाहरण दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। वेद कहते हैं कि जिस प्रकार से नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े पर लिपटे हुए मल को चाटकर प्रसव वेदना भूल जाती है, हम एक दूसरे से इतना प्यार करें जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। आप सोचिए, जब ये चिंतन भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में आ गया, हम एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए, एक दूसरे के उत्थान की कल्पना करते हुए, एक दूसरे के आत्म विकास की कल्पना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो वहां आतंकवाद के लिए कहां जगह होगी, खून खराबे के लिए कहां जगह होगी, वहां तो सहिष्णुता है, स्नेह है, मोहब्बत है। तो ये चिंतन भारतीय संस्कृति का आदि काल से रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारत के लोकतंत्र का मूल चिंतन जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें दे रहे हैं। ये भाव जब मेरे आपके अंदर आता है तो हम सही अर्थों में विकास के रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा लोकतंत्र इसी चिंतन के साथ समस्त भारतवासी लोगों की सुख समृद्धि उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है। आओ आज इस संविधान दिवस पर हम संकल्प लें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नया चिंतन सोच जो बराबर उनके द्वारा हमें मिलती रहती है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब इस देश का हर व्यक्ति, हर गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, गांव का, शहर का, सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए हम विकास और उन्नति की ओर आगे बढ़ने का संकल्प आज के दिन लें। भाइयों और बहनों, ये गुजरात की पवित्र धरती जिस पर आप दो दिन आए, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं। इस धरती ने महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती को जन्म दिया। इस धरती ने भक्त कवि नरसिंह मेहता को जन्म दिया। इस धरती ने स्वातंत्र वीर श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों को पैदा किया। इस धरती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उद्योगपति रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी जैसे लोग दिए, और वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी इसी धरती, इसी माटी ने पैदा किए। इस माटी को ये गर्व है, इस माटी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जिसने इस राष्ट्र के निर्माण में ऐसे महापुरुषों को प्रेरणा देने के लिए भेजा। आज मैं अंत में आप सभी का अपनी प्रदेश सरकार की ओर से, अपने नागरिकों की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत और एक निवेदन करता हूं। जो लोग पत्नियों सहित आए हैं, मैं कल देख रहा था उनके चेहरे खिले हुए थे। जो बिना परिवारों के आए हैं वो उदास थे, वो महसूस कर रहे थे कि हम अकेले आ गए। इतना सुंदर स्थल है, इतना दर्शनीय है, इतना प्रेरणा का पुंज है। तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा, जब आप अपने अपने स्थल पर वापस जाएं, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को,
अपने साथियों को इस स्थल के बारे में जानकारी दें, उनको प्रेरित करें ताकि वो लोग इस स्थल को देखने के लिए आएं और राष्ट्र की एकता का, राष्ट्र की अखंडता का भाव लेकर के जाएं और अपना प्यारा भारतवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसी संकल्प और इसी विजन के अनुसार बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी उसी सोच को जनमानस में पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए इस इतने बड़े विजन के साथ दुनिया में ऐतिहासिक ये कार्य किया है, जो हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा। आपने मुझे अपनी इस अंतिम कार्यक्रम में सम्मिलित किया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी। अब